दोस्तों। सो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स आप जानते हो, बहुत ही बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड्स के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, तो उसमें साइंटिस्ट की पोस्ट निकली है भाई, बहुत अच्छी खबर है, बहुत बढ़िया। मैकेनिकल, मेटलर्जिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो मतलब आप ये समझ लो कि इतनी वैकेंसी, और मैकेनिकल में भाई 48 वैकेंसी है जो कि ठीक ठाक वैकेंसी है, साइंटिस्ट लेवल की पोस्ट है। अनरिजर्व में 17, ओबीसी में 15, एससी में 7, एसटी में 4 और ईडब्ल्यूएस में 5। अब आप देखो कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसमें। तो इसमें रिक्वायरमेंट आप देख सकते हो, बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट, मतलब 60% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, और वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका गेट स्कोर बहुत कम है तो आप इसमें अप्लाई मत करना। गेट स्कोर अच्छा होना चाहिए आपका, क्योंकि इसमें गेट स्कोर का वेटेज ज़्यादा होगा। ठीक है, एज लिमिट 30 साल है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 मार्च है, जैसा कि आप देख सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, गेट के बेसिस पे होगा, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि गेट का बहुत ज़्यादा वेटेज है। आप ये कह दो 75% वेटेज गेट का है, तो जिन लोगों के नंबर 70 से ज़्यादा आ रहे हैं वो भर सकते हैं इसको, मेरे हिसाब से। ठीक है, 65 से कम वाले बच्चे मत भरना इसको, मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ। कोई फ़ायदा नहीं होगा, फालतू के पैसे वेस्ट जाएंगे। बाकी भरना चाहो तो भर सकते हो, क्योंकि 100 रुपये फीस है। ठीक है, 100 रुपये कोई ज़्यादा फीस नहीं है। पहले मैंने जब इसका फॉर्म भरा था तो काफ़ी फीस थी इसकी। ठीक है, इसमें क्या है कि आप, हाँ देखो, बॉन्ड का भी लिखा हुआ है, प्रोविजन रहोगे 2 साल तक। ठीक है, उसके बाद आप परमानेंट हो जाओगे। परमानेंट साइंटिस्ट की सरकारी नौकरी दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, एक अपडेट दे रहा हूँ आपके पास, आपके लिए। तो लाइक करो, ठीक है, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, आपको बढ़िया से बढ़िया अपडेट दूंगा, रोज रोज अपडेट दूंगा। ठीक है।